हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे घरों पे ईद पे, बकरीद पे या अचानक से घर आए मेहमानों के लिए बनती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ बड़े का कोरमा। और ये जो कोरमा है ये बहुत ही अच्छा होता है। बेसिकली ये गाँव में बनता है, जिसे हम बोलते हैं कढ़ाव का गोश्त या फिर कढ़ाव का कोरमा। ये बहुत ही ऑथेंटिक स्टाइल में बन के तैयार होता है और कुछ बेसिक से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ यूनिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिससे मिलके ये बन के तैयार होता है। ये बहुत ही शाही होता है। तो आज ये शाही सा बड़े के गोश्त का कोरमा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ले लिया है प्रेशर कुकर, क्योंकि बड़े का गोश्त प्रेशर कुकर में ही गलता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ऐड किया है 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 तेज़पत्ते, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्चें, 4 से 5 काली हरी इलायची और 2 से 3 मैंने काली इलायची ऐड कर दी है। ये बेसिक से गरम मसाले हैं जो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास गरम मसाले नहीं हैं तो आप गरम मसाले पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टेस्ट होता है वो साबुत गरम मसालों का ही आता है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने। और इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। टमाटर जो है खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब हम गोश्त को गलाएंगे टमाटरों के साथ टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड करूँगी लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट। तो देखिए, मैं यहाँ पे 3 टेबल स्पून लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यानी 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून प्याज का पेस्ट और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अदरक की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे सारे जो मसाले हैं जो मैंने ऐड किया है, बस अदरक का पेस्ट, वो जो अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इसे हाई फ्लेम पे हम अच्छे तरीके से भून लेंगे, इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक ऐड कर दिया है। अगर नमक कम लगेगा तो हम दोबारा बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब सारे मसालों को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे सारे मसालों को। तो देखिए, सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स करके इसको अच्छे से भूनेंगे। हमें इसे ऐसे भूनना है कि इसमें से खुशबू आने लगे। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पर गोश्त ऐड कर रही हूँ। ये बड़े का गोश्त है जो मैं यहाँ बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे मटन में भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसे मसाले में मिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पर 1 kg बड़े का गोश्त लिया है, यानी 1 किलो बड़े का गोश्त मैंने ऐड किया है अच्छे से वॉश करने के बाद में। और अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी पानी। तो मैं यहाँ पर टोटल जो पानी है 2 गिलास ऐड करूँगी। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में मीडियम फ्लेम पे 8 सीटी लगा लेंगे प्रेशर कुकर में। तो देखिए, मैंने इसको मिक्स कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम 8 सीटी लगा लेंगे प्रेशर कुकर में। तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे रख दिया है कवर करके। 8 सीटी आने के बाद हम चेक करेंगे। 8 सीटी में बड़े का गोश्त जो है परफेक्टली गल जाता है। और अगर आप इसे मटन में बना रहे हैं तो ये 6 सीटी में ही गल जाएगा, क्योंकि मटन जो है जल्दी गलता है बड़े के गोश्त के कंपैरिजन में। तो देखिए, हमारी 8 सीटी आ चुकी हैं, गोश्त परफेक्टली गल चुका है, लेकिन इसमें भी ग्रेवी काफ़ी है तो इसे भूनना है। तो हम इसे और भूनेंगे। तो देखिए, मैं इसको हाई फ्लेम पर भूनूंगी। अभी ग्रेवी इसकी बहुत पतली है तो मुझे काफ़ी थिक करनी है, लेकिन इसी स्टेज पर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कटोरी भर के मखाने और 7 से 8 काजू। तो देखिए, मखाने और काजू इस रेसिपी को बहुत ऑथेंटिक और शाही बनाते हैं।
तो ये चीज़ें तो आपको इसमें ऐड करनी होंगी अगर आप एकदम शाही स्टाइल में बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा कोरमा बनाया तो भाई सच में मेहमान आपके फ़ैन हो जाएंगे। मैं अक्सर मेहमानों के लिए यही कोरमा बनाती हूँ घर पे, तो सब मेरी बहुत तारीफ़ करते हैं। और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे केवड़ा वाटर ऐड कर दिया और मैं इसको हाई फ्लेम पर अच्छे से भून रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा कोरमा बन के यहाँ पे तैयार हुआ है। मैंने नमक वगैरह टेस्ट कर लिया, तो मसाले नमक वगैरह भी एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। हमारा जो कोरमा है बनके तैयार हो गया है, बड़े का कोरमा, और एकदम ऑथेंटिक स्टाइल में जो है बहुत ही टेस्टी कोरमा बनके तैयार हुआ है। आप भी इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं, और मैंने ये अपनी फैमिली के लिए बनाया था क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। स्पेशली मैं संडे वगैरह को ही बनाती हूँ। तो आप भी इस रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें, और आई होप आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो